पार्टी का युवा विंग यूथ कांग्रेस ने आज एक फूड बैंक की शुरुआत करी है, जहां पर आपको हम दिखाते हैं कि वो खाना पानी और उसके साथ साथ मास्क जो है वो लोगों में बांट रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भूखे और गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने में जुट गए हैं। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही खाने का स्टॉल लगाया गया है, जहां सैकड़ों लोग लाइन में लगकर खाना ले रहे हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में रोटी बनाने की मशीन भी लगाई गई है, जिससे एक घंटे में 1000 रोटियां तैयार हो सकती हैं। लगभग 2000 मास्क बना लिए हैं। कोरोना के इस टाइम पे हमें भी थोड़ा काम मिल गया और ये मास्क किसी के काम भी आ जाएंगे। यूथ कांग्रेस को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, सो थैंक यू। यूथ कांग्रेस के दफ्तर को मास्क बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली दफ्तर और अन्य राज्यों के दफ्तर में बने मास्क को मिलाकर 1 करोड़ मास्क बनाने का लक्ष्य रखा है। रेल सेवा शुरू होने के बाद यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले हर यात्री को खाने के पैकेट और पीने के लिए पानी दिया। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया। कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता को और नेशनल ऑफिस बेरर प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अपना सुरक्षा छोड़ के देश की सुरक्षा में लगे और जो गरीब मजदूर माइग्रेंट लोग को भूख मिटाने के लिए आप लोग ने संकल्प लिया, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।